हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस। इस डिफेक्ट में क्या होता है, पास का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर अपने को दिखाई दे जाता है, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइडनेस। अब ये डिफेक्ट जिनको होता है उनकी आई में क्या होता है उसको समझते हैं। तो सपोज दैट ये अपनी आई है, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तो इसकी इमेज बनाने के लिए यहां से लाइट जाएगी। इस केस में क्या होता है, जिसको ये डिफेक्ट होता है उसको ये जो इमेज है ये बिहाइंड रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे इमेज बनती है, इस वजह से ये डिफेक्ट होता है। बिकॉज अगर इमेज रेटिना पर बन जाती तो अपने को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता, अब जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बन रही है तो ये डिफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। बिकॉज अगर फोकल लेंथ इतनी होती तो ये लाइट को यहीं पे कन्वर्ट कर देता, तो रीजन है इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, या फिर दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आई लेंस है और रेटिना है इसके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो गई है। अगर रेटिना यहाँ पर होता तो इमेज अपनी क्लियर बनती, तो ये इसका रीजन है। फर्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन, इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ये इसका रीजन है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के लिए हम वही डॉक्टर अंकल के पास जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब अपने को दूर का देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर अपने को क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस सजेस्ट करता है कि भाई आप अपनी आंखों के आगे चश्मा लगाओ, उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करो। तो होता क्या है, कॉन्वेक्स लेंस लगाने से होगा क्या, देखो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था जिसकी इमेज क्लियर नहीं बन पा रही थी या रेटिना की बिहाइंड बन रही थी, तो आप देखो क्या होगा इस केस में, यहाँ से लाइट जाएगी इस ऑब्जेक्ट से, ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ये लाइट को कन्वर्ट कर देगा, ये थोड़ा लाइट को कन्वर्ट कर देगा ये। अब आगे ये भी कन्वर्जिंग लेंस है तो ये और लाइट को कन्वर्ट कर देगा, तो इस केस में क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी, और इमेज अगर रेटिना पर बन गई तो अपने को ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो सॉल्यूशन यही है इस डिफेक्ट का कि आप कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसका हम सॉल्यूशन कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्टिंग लेंस। नेक्स्ट डिफेक्ट है उसको हम कल डिस्कस करेंगे।